हेलो, ये है बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री। ये है पार्ट वन। आज हम जो सिलेबस है जो हिस्ट्री का, उसे हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली बात, सिलेबस में जिस तरीके से दिया है, स्टूडेंट हमेशा जो हिस्ट्रीज होते हैं उसमें किंग का नाम याद करने में ही उन्हें, और सिलेबस में बहुत गलत तरीके से दिया गया। अगर हम बाकी सिलेबस के जो टॉपिक्स, जो चैप्टर्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उससे अगर तुलना कर, वैसे हिस्ट्री में इतना डिटेल देना चाहिए था जो कि नहीं दिया है, स्टूडेंट और कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ऐसे पढ़ने जाएंगे तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। किसी भी राजा या जो भी किंग है, उसे हम क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ कारण होगा, उसने कुछ किया होगा, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कुछ विकास किया होगा, इसीलिए हम उसे पढ़ रहे हैं, या उसका जो टेक्निक है वो कुछ खास ही है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम को कंप्लीट कराया, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने परमानेंट मिलिट्री फोर्स बनाया, सैनिक जो हैं वो जब जरूरत पड़ता था तब आते थे लड़ने के लिए, जब हो जाता था तब चले जाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैसे ब्रोंज और सिल्वर का जो वैल्यू है उसे सेम कर दिया था, और लोग जो है उसे घर में छापने लगे थे, जिसका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इन सभी ने काम किए हैं, और भी कई सारे किंग्स हैं पर उसे हम नहीं पढ़ते हैं, किसी ने किया है इसीलिए पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट यूनिट, किसी भी एरा को जब हम पढ़ेंगे, किसी भी डायनेस्टी, सल्तनत को पढ़ते हैं, तो उसका स्रोत क्या है वो इम्पोर्टेंट होता है। पेंटिंग हो सकता है, बुक हो सकता है, जो राजघराने होते हैं उसमें एक राइटर होता है, खास राइटर होता है, जाहिर सी बात है उसे बढ़ा चढ़ा कर बताना होता है, वरना उसे, अगर आपने एक मूवी देखा होगा उसमें जबरदस्ती किसी ने किसी को मरवा देता है अगर उसकी इच्छानुसार नहीं करता है, तो समझिए बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। जैसे कुछ फेमस किताब हैं, बाबर नामा हो गया, रहला हो गया इब्न बतूता का, फर्स्ट यूनिट का सेकंड। सबसे पहली बात, ये जो वंश देख रहे हैं ना, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, असल में पांच है, जो सल्तनत कालीन कहते हैं वो पांच है, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ऐसे डायरेक्ट किसी डायनेस्टी का नाम याद करने की कोशिश करेंगे ना हम, तो घुइया कुछ याद होगा हमें। तो इनकी कुछ, हम इन्होंने कुछ कार्य किया है उसे पढ़ेंगे। और सिलेबस में डायरेक्ट शॉर्ट नेम दिया गया है, जैसे कि ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, तो ऐसे किसी को स्टूडेंट को याद नहीं होगा। टॉपिक में आते हैं, दास वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो है, जो दास वंश है उसके फाउंडर हैं। बी, इल्तुतमिश, इन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया और कुतुब मीनार का जो काम है उसे कंप्लीट कराया। रजिया सुल्तान, आपने नाम सुना ही होगा, ये जो है फर्स्ट फीमेल रूलर हैं इंडिया की। बलबन, आपने नाम सुना नहीं होगा, फिर भी इन्होंने मिलिट्री सिस्टम बनाया है, जो सैनिक अभी के ज़माने में जो होता है ना, वैसे ही पहले ज़माने में नहीं होता था, तो इन्होंने ही ये सिस्टम लाया है। फर्स्ट यूनिट का थर्ड, खिलजी वंश, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने परमानेंट मिलिट्री फोर्स बनाया, सैनिक जो हैं वो जब ज़रूरत पड़ता था तब आते थे लड़ने के लिए, जब हो जाता था तब चले जाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैसे जो हम मार्केट सिस्टम देखते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया है, ऐसी जगह जहां लोग खरीद और बेच सकते हैं, वरना पहले ज़माने में लोग कहीं भी ये जो वर्क डन है इसे करते थे। इन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया है विथ विभाग, मिलिट्री फोर्स बनाया, जो आर्म फोर्स, जो सैनिक होते हैं ना वो, ये बलबन ने मिलिट्री सिस्टम बनाया है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। फर्स्ट यूनिट का थर्ड का दूसरा, तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक डायनेस्टी में इन्होंने अपना कैपिटल बहुत बार बदला है, दिल्ली से देवगिरी, मंगोल जो है हमेशा अटैक करते रहते थे, भले ही मंगोल यहाँ तक नहीं आ पाए, जो एनवायरनमेंट है उन्हें सूट नहीं हुआ, तो वो वापस चले गए।
जो ब्रॉन्ज और सिल्वर है उसका वैल्यू इन्होंने सेम कर दिया, जिसे लोग अपने घर में ही छापने लगे। और इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो कृषि विभाग होता है, इन्होंने बनाया है। फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने बहुत सारे जो सामाजिक कार्य होते हैं वो इन्होंने किया है, हॉस्पिटल, कोर्ट, पोस्टल सिस्टम। फर्स्ट यूनिट का फोर्थ, तैमूर का भारत आक्रमण। इंडिया में 14 दिनों तक कत्लेआम करने के बाद जो सत्ता है उसे खिरज खा को सौंप कर वापस टर्की चले गए। फिर और क्या इसके बाद? बाबर, शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था। अब आएगा मेन, जो आपने सुना है ना बैटल ऑफ पानीपत, वो यही है जब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई होता है। बाबर इसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाया गया है। एक से आपको एक मेथड बताता हूँ जो बाबर ने यूज किया है, तुलुगमा। और कई सारे जो स्टूडेंट हैं उन्हें कन्फ्यूजन रहता है कि जब बैटल ऑफ पानीपत है वो कब लड़ा गया था, 1526, 1526। और हाँ, बैटल ऑफ पानीपत, ये पानीपत जो है वो कहाँ है, हरियाणा में। किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। शेरशाह सूरी प्रशासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव। सूरी ने कोलकाता से लाहौर एक ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था, जो कि आज के ज़माने में नेशनल हाईवे 1 और 2 है। और जो सिक्का जो हम यूज़ करते हैं ना, इंडियन रुपया, वो इन्हीं की देन है। सेकेंड यूनिट का सेकेंड, अकबर की राजपूत पॉलिसी नीति। जो पॉलिसीज हैं वो तीन हैं, मैरिज, फ्रेंडशिप, अटैक। कोई भी राजा किसी क्षेत्र को कब्जा क्यों करना चाहेगा? वहां पर नेचुरल रिसोर्सेस है, किंगडम है, जो राज्य है वो फाइनेंशियली आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, वो पूरे इंडिया पे राज करना चाहते थे। सेकेंड यूनिट थर्ड, मुगल शासकों की धार्मिक नीति। अकबर से औरंगजेब, अकबर जो है वो ऑर्थोडॉक्स थे, बहुत सारे धर्म को अपने साथ रखते थे, जो नॉलेज है उसे इकट्ठा करते थे। भले ही ये अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पर इन्होंने बहुत सारा किताब जो है सुना है। और जो रिलीजन है, जो धार्मिक चीज़ है, इसे इंस्पायर होकर एक धर्म भी बनाया था, दीने इलाही नामक एक धर्म की स्थापना की, जो कि चला नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपने आप को गॉड समझने लगे थे। और जो आसपास के जो हेड्स होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण्स और क्षत्रिय होते थे, आपने अशोका, जो किंग अशोका है, उनका डिक्लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो यही कारण है, उनका जो ध्यान है वो बुद्धिज्म की ओर जा रहा था, और जो ब्राह्मण्स थे उनसे नाराज थे। औरंगजेब ये अकबर के एकदम उल्टा, कट्टरपंथी, सुन्नी और शिया मुसलमान में भेदभाव मानते थे। मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूँ, हिस्ट्री के बुक में लिखा है, बस मेरे बताने का तरीका अलग है। जो जजिया कर आपको बताया था नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, उसे 115 साल बाद फिर से शुरू कराया गया। सेकेंड यूनिट का फोर्थ, राजनीतिक संस्थाएं एवं प्रशासन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। मनसबदारी की स्थापना करना, मनसबदारी क्या है? ये एक ओहदा है, रैंक और पोजीशन, जैसे हम पहली क्लास से दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, कॉलेज, वैसे ही, जो कि सरकारी अधिकारी को दिया जाता था और मिलिट्री अधिकारी को, सेनानायक। जमीन को कुछ हिस्सों में बांट दिया जाता था जो कि उनके अंडर में आता था, पर मेन बॉस कौन रहेगा? किंग। थर्ड यूनिट, सल्तनत कालीन सामाजिक आर्थिक दशा। इसे आप दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, मुस्लिम सोसाइटी और हिंदू सोसाइटी। मुस्लिम सोसाइटी दो पार्ट में फिर से डिवाइड होगा, विदेशी और भारतीय मुसलमान। विदेशी तीन पार्ट में डिवाइड होगा, सुल्तान, अमीर, उलेमा, और जो बसते थे भारतीय मुसलमान, और दास एवं दास प्रथा। हिंदू समाज,
हिंदू समाज में आप जानते ही हैं उसे चार वर्ण में डिवाइड किया गया था, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण्स। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन, कृषि, बाजार और सामाजिक कल्याण जैसे कुएं खोदवाना और इत्यादि। और हाँ, लगान कैसे भूल सकते हैं हम, कई कई प्रकार के टैक्सेस होते थे, गरीब को ठगना तो जरूरी है ना। सेकंड, मुगल सोसाइटी, फ्यूडलिज्म और मनसबदारी। फ्यूडल यानी क्या होता है, एक जमीन का टुकड़ा जो कि एक सरकारी अधिकारी को दिया जाता था। मनसबदारी एक अहदा बेसिक है। आर्थिक दशा, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा था और जम के टैक्स लिया जाता था। सीरियल्स वगैरह देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, उन्हें सिर्फ नाटक दिखाना कौन किसके खाने में नमक डाल रहा है एक हफ्ते से। तीसरा, तीसरे यूनिट का तीसरा, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दशा। ये जो भक्ति मूवमेंट है वो क्या है, असल में अगर सामान्य रूप से समझना चाहे तो भक्ति काल बहुत ज्यादा जो वॉयलेंस होता है ना, मार काट, जो संगीत है प्रभु भक्ति, उसमें लीन हो जाना, इससे जो है बहुत सारे कवि आए और जो प्रवचन देने लगे और उनके बहुत सारे पीपल्स बने, जैसे कि जो स्टूडेंट कह सकते हैं इसे, जो कि जगह जगह घूम घूम कर अपनी गुरु और ईश्वर की आराधना करते थे, गाना गाते थे। एकी बेटा बासर बन दई थे दाई मैया बाप नहीं मिलते मोज कचा कचा पलसर वन खाते दाई रे रसा गाल माता ला दियो खाता परवाई ना गई पियाज एक बेटा सरवन पानी ले आ दे दाई बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उसमें डिवाइन जादुई शक्तियां डाल देते थे, बढ़ा चढ़ाकर बताते थे। इसी काल में बहुत सारे लेखक और कवि आए। भक्ति काल में जो है जो डिवोटिव्स होते हैं वो उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नयनार्स और अलवार्स। नयनार्स शिव, शिव को पूजने वाले, अलवार्स विष्णु, जो कि बहुत सारे किंग के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था, चैरिटी, दान, सूफीवाद। ये भी जो भक्ति आंदोलन है उसी के जैसे है, बहुत सारे राजाओं ने फंडिंग किया और जगह जगह दरगाह खुले, आश्रम्स वगैरह बनाने लगे जहाँ पर भूखे व्यक्ति, बुजुर्ग और हैंडीकैप्स को वहाँ रखकर उनकी देखभाल करते थे और फाइनेंशियल एड जो है वो किंग के द्वारा दिया जाता था। और सेम नॉन वायलेंस, अहिंसा। फोर्थ यूनिट का फर्स्ट, सल्तनत कालीन कला एवं स्थापत्य। कला मैंने आप जानते हैं, स्थापत्य यानी क्या है, जो मॉन्यूमेंट होते हैं जैसे कि ताजमहल हो गया, पर अभी हम सल्तनत कालीन का पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, कुतुब मीनार, ढाई दिन का झोपड़ा, कला गुंबद, जो कारीगरी कहते हैं ना वो गुंबद आएगा, ऊंची मीनारे, मेहराब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं। मुगल फोर्थ यूनिट का सेकंड, मुगल कालीन कला एवं स्थापत्य। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, शाहजहानाबाद, चांदनी चौक, जो मुगल एरा है डायनेस्टी, वहाँ पेंटिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा चला, जैसे प्रसिद्ध चित्रकला अबुल हसन, जो कि आधे से ज़्यादा अभी आपको इंग्लैंड के म्यूज़ियम में मिलेगा।
मैं आपको एक चीज बताता हूँ जरा सा, जो लोग आते थे, जो ब्रिटिशर्स होते थे, वो क्या करते थे, किसी भी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह अपने अपने देश ले जाते थे वो। जैसा कि जो सांची स्तूप है उसका तोरण द्वार कहते हैं, जो फ्रंट गेट होता है मंदिर का उसे कहते हैं, तो उसे क्या कर रहे थे वो लोग, तोड़ के अपने जगह ले जा रहे थे। तो जो वहाँ की जो बेगम थी, जहानारा और रोशनारा दो बेगम थी, वो उसका प्लास्टर कॉपी बनवाकर उसे इसे ले जाओ। ये बहुत अच्छा चीज़ था। टॉपिक में आते हैं, फोर्थ यूनिट का थर्ड, सल्तनतकालीन शिक्षा एवं साहित्य। हर कला में, हर कालीन में एक कोई ना कोई किताब छपता ही है। जो जो राजघराना होता है वहां कोई ना कोई एक कवि होता है, तो जो किताब छपेगा सब में बटेगा, इससे जो नॉलेज है वो सब की सबको मिलता है। और हाँ, इसमें जो है एक लिमिटेशन होता है, डिसएडवांटेज लगभग कह सकते हैं, क्योंकि राजघराना है तो हमेशा पॉजिटिव चीजें ही बताने होते हैं। जो दूसरा रहेगा एनिमी, वो तो जरूर उसका नेगेटिव बताएगा ना, तो हमें वो वहां से मिल जाता है लगभग। साहित्य में किताबुल हिंद, किताबुल रेहला, इब्न बतूता, मुगल कालीन शिक्षा एवं साहित्य, सेम चीज यहीं भी इम्प्लीमेंट होता है। जो बाबर की डॉटर थी गुलबदन बेगम, उन्होंने बाबर नामा लिखा, हुमायूं नामा क्योंकि वो उनकी बहन थी, और अकबर की आंटी आयने अकबरी, और भी बहुत सारे हैं जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, वो लिखित साक्ष्य कहते हैं ना वो। फिफ्थ यूनिट, ये जो थोड़ा सा खास कह सकते हैं इसे हम, फिफ्थ यूनिट का फर्स्ट विजयनगर। विजयनगर की जब भी बात की जाती है तो किंग कृष्णदेव राय की बात नहीं करेगा कोई भी, तो मतलब वो बेवकूफ है, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट किंग है। कि जो किला है उसके आगे में बहुत सारे ऊंचे ऊंचे दीवाल होते थे, जो कि कई पार्ट में बटा होता था, जहां कृषि किया जाता था। अगर कहीं आक्रमण हो गया तो अंदर से जो फूड सप्लाई है, जो जरूरी चीजें हैं वो मिलते रहे, पानी दो झील से आता था, और समंदर के किनारे होने के कारण जो समंदर से जो गुड्स आते थे, जैसे कि ऊंची नस्ल वाले घोड़े, अरबी घोड़े, जो कि दौड़ने में बहुत तेज रहते थे, जल्दी हाँफते नहीं थे। ये सब जानकारी हमें कैसे मिला? बहुत सारे जो ट्रेवलर्स कहते हैं ना, विदेशी यात्री, वो आकर यहाँ बहुत सारी किताब लिख कर चले गए। और हाँ, इनके बाद जितने भी राजा आए वो सब कमजोर थे। राक्षस तंगड़ी बन्नर घाटी सुने ना, इसके बाद हम पढ़ेंगे वो। नहीं, कारण थोड़ा सा, विदेशी यात्री जैसे अबुल अब्दुल्ला, अब्दुल रजाक, डोमिंगो पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिफ्थ यूनिट का सेकंड, बहमनी राज्य। बहमनी राज्य कब फाउंड हुआ था? 1347, 1347, गुलबर्गा, अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा, हसन गंगू। ये जो है पांच राज्य में डिवाइड हो गया, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। जो राक्षस तंगड़ी बन्नर घाटी सुने थे, वो जो विजयनगर है वो अकेला हो गया था, और उसके खिलाफ चार राज्य थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र की शान, फिफ्थ यूनिट का थर्ड, शिवाजी, प्रशासन व्यवस्था। जैसे अकबर के पास नौ रत्न था, वैसे ही इनके पास अष्ट प्रधान थे। डिटेल में नहीं जाएंगे, इनकी जो टैक्टिक्स थे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और अगर टक्कर देने की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से देते थे, और आपने सुना ही होगा इनके बारे में कि ये कितने पराक्रमी, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, छोड़ो।
फिफ्थ यूनिट का फोर्थ, बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761, 1761, किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। छोटा सा आपको बताता हूँ कारण, जो नदीर शाह था वो यहाँ से पैसे तो लेके चले गए थे पर साथ में बोले थे कि टैक्स मुझे देते रहना टाइम टू टाइम, यहाँ से टैक्स जाना बंद हो जाता है। तो जीत कर आओ करके अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता है, लगभग कह सकते हैं एकदम पत्थर की लकीर मानकर नहीं रहिएगा, बताने का तरीका होता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ कर बताता हूँ आपको समझाने के लिए कि बैटल किसके किसके बीच में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो वीडियो इतना ही छोटा रखते हैं, और हाँ ये वीडियो जो है रिक्वेस्टेड वीडियो है अभिषेक, थैंक यू इस कमाल की वीडियो के आइडिया के लिए। सो दैट्स इनफ फॉर अ डे, माय नेम इज आकाश एंड आई एम साइनिंग आउट, कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।